पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर शुक्रवार को गोलीबारी की गई। उत्तर कश्मीर में एलओसी से सटे 3 सेक्टरों में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस गोलीबारी में भारतीय सैनिक के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें एक बीएसएफ, एसआई और 2 जवान शामिल हैं। पाकिस्तान के इस दुस्साहस और अंधाधुंध फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत भी हुई। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे संघर्ष विराम का उल्लंघन में कुल 3 जवानों की जान गई है। पहले बीएसएफ एसआई राकेश डोभाल शहीद हुए, इसके बाद सेना के 2 अन्य जवान भी इस गोलीबारी में मारे गए, जबकि 3 आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। एक अन्य नागरिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान की ओर से बारामुल्ला जिले के हाजीपीर इलाके में गोलीबारी की गई। इसके अलावा तंगधार सेक्टर और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान सेना ने गोलीबारी की, मोर्टार दागे और फायरिंग में सीमा के पास बसे एक घर को नुकसान पहुंचाया, जबकि उसमें एक महिला भी घायल हो गई। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के बाद सीमा से सटे गाँव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। आपको बता दें कि जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 8 जवानों को भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर से न्यूज प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।